हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम क्लास 10 का कंप्यूटर पार्ट बी यूनिट 3 सेशन 1 हम स्टार्ट करेंगे। रोज, कॉलम, रेंजेस एंड ऑटोसम। इसमें हम सीखेंगे कि रोज एंड कॉलम को हाइड कैसे करते, अनहाइड कैसे करते और ऑटोसम का यूज़ करेंगे और रेंज को कैसे एक नेम में सेव करते, ये हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप स्क्रीन पे छोटे छोटे आप देख रहे हो कि आइकन्स बने हुए हैं। आइकन्स का मतलब आप जानते हो, डैट रिप्रेजेंट अ स्मॉल प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट, मे बी कुछ भी हो सकता है जो भी किसी प्रोग्राम या फिर डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारा क्या है, आइकन है। तो यहाँ पे देखिए हमारा है ओपन ऑफिस। यहाँ से हम ओपन ऑफिस को क्लिक करके ओपन करते हैं। देखिए ये हमारा ओपन ऑफिस ओपन हो रहा है। ओपन ऑफिस ये आप देख रहे हैं कि अपाची ओपन ऑफिस TM4 है। इसमें देखिए हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मतलब कि वर्ड प्रोसेसिंग था, देन हम नेक्स्ट पे हैं स्प्रेडशीट। देखिए ये हमारा अनटाइटल 1 दिखा रहा है क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने ओपन किया। इस फाइल को, फोल्डर को मैंने कोई नेम नहीं दिया। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेफ नहीं है, इस वजह से ये अनटाइटल 1 दिखा रहा है क्योंकि ये विदाउट टाइटल है। ओपन ऑफिस कैल्क, पता है कि स्प्रेडशीट को ओपन ऑफिस में कैल्क बोला जाता है। ओके, एंड प्रीवियस क्लास में, क्लास 9th में आप इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो। जैसे कि आप जानते हो कि जब भी हम इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते तो इंफॉर्मेशन में हमारे नंबर्स हो सकते हैं, फिगर हो सकते हैं और कैलकुलेशन भी हो सकते हैं। इन ये और भी फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर हम कंप्यूटर के जो भी सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ करके हम कोई भी लार्ज से लार्ज कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। और आपको पता है कि कोई भी बेसिक कंप्यूटर बुक है वो विदाउट डिस्कशन ऑफ स्प्रेडशीट के कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसीलिए आपके सिलेबस में स्प्रेडशीट को इंक्लूड किया गया है। और यही रीज़न है कि इस सेशन में आप डिस्कस करेंगे एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट है, ओपन ऑफिस ओआरजी कैल्क, जो कि ओपन ऑफिस .org का एक पार्ट है। अब इस सेशन में बेटा हम सीखेंगे वर्किंग विथ रोज, कॉलम एंड रेंज। सबसे पहले तो आपकी बुक का आप जब पढ़ोगे तो आपका सेशन 1 में आपको रोज, कॉलम्स, रेंज एंड ऑटोसम में आपका सबसे पहला है कि हाउ टू हाइड एंड अनहाइड रो एंड कॉलम। किसी भी रो या कॉलम को हाइड और अनहाइड कैसे करते। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा डेटा हमारे पास हो जाता है, जैसे कि हम मान लीजिए हमारे देख रहे हैं कि इतना ढेर सारा रो एंड कॉलम, बट हमें थोड़े पे ही वर्क करना है। बहुत ज़्यादा डेटा मतलब बहुत ज़्यादा रो एंड कॉलम हो जाता है तो हम कभी कभी खुद भी कन्फ्यूज में हो जाते हैं कि हम क्या करें, इतना ढेर सारा दिख रहा है यहाँ पे, हम नहीं चाहते हैं कि इतना ज़्यादा डेटा यहाँ पे विजिबल हो। जिस पे हम वर्क करें वही हमारा ऑन द स्पॉट विजिबल हो, तो उस कंडीशन में हम कुछ डेटा को हाइड कर देते हैं और कुछ को अनहाइड करते हैं अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग टू। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो कुछ डेटा हम तैयार करें, तभी तो हम उसको हाइड और अनहाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम कोई डेटा तैयार करते हैं। सपोज़ मैं यहाँ पर डेटा तैयार कर रही हूँ, सपोज़ आपका ही है स्टूडेंट रोल नंबर है, पहले जस्ट हमारा फर्स्ट पे रोल नंबर है, देन सेकंड पे हमारा नेम है, ओके, देन थर्ड पे है आपका फी, ओके फी है, फी के बाद नेक्स्ट पे है आपका कि कितना रिमेन है आपका फी, रिमेन अड्यू भी कर सकते हैं, ओके। सपोज़ रोल नंबर 1 है, कोई 1 कोई भी हो सकता है, नेम में हम डाल दे रहे हैं जैसे कि सुमन है, सुमन। नेक्स्ट में है उसका फी सपोज है 1500 और उसका ड्यूज आ रहा है 700 रुपीज़। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे कोई भी हो सकता है, सपोज सेक्स में कर रही हूँ रॉकी, रॉकी हो गया। इसका फ़ी भी, इसका फ़ी मान लो कुछ अलग है, कुछ बच्चों का कंसेशन होता है, तो इसका सपोज है 1700 और इसका ड्यूज आ रहा है 1000। नेक्स्ट हमारा थ्री नंबर पे सपोज है रेखा, रेखा है और इसका फ़ी जो है इसका भी है 1500 और इसका ड्यूज आ रहा है नथिंग, 00।
फोर्थ नंबर पे सपोज है हमारे नेहा, नेहा है, इसका भी ड्यू 1500 है और इसका ड्यू, इसका ड्यूज आ रहा है 250 रुपीज़। फिफ्थ नंबर पे सपोज है शरोज, शरोज इसका भी फ्री है और इसका ड्यूज आ रहा है 500 रुपीज़। ओके, ये हमने एक डेटा क्रिएट किया है जस्ट ऐसे ही, जस्ट इमेजिनेशन, मैंने कोई कॉपी नहीं किया है, जस्ट अपने माइंड से मैंने इसको यूज़ किया है। और ये हमारा एक डेटा है, सपोज़ ये स्टूडेंट डिटेल है जिसमें कुछ बच्चे हैं जिनका फ़ी तो इतना है बट उनका जो कुछ बच्चों का ड्यू है, कुछ बच्चों का बिल्कुल ड्यू नहीं है। इसमें कुछ बच्चों का मैंने इक्वल रखा है अमाउंट, कुछ बच्चों का, एक बच्चा रॉकी है जिसका मैंने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा रखा है क्योंकि ये 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देता है, किसी भी चीज़ का चार्ज हो सकता है। अब इस कंडीशन में देखिए, सपोज़ ये हमारा है, हम चाहते हैं कि हमारा जो कोई रो है या कोई कॉलम है जो हमारा हाइट हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं जिसको हमें हाइट कर। एक चीज़ बेटा याद रखें कि फॉर्मेटिंग करते टाइम किसी भी चीज़ की सबसे पहले उस चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हो, आपको क्या ख़रीदना है, तुरंत आप नहीं ख़रीदते हो, पहले चार सामान देखते हो। सपोज़ आपको शूज़ लेना है, ठीक, तो आप शूज़ शॉप पे गए, आप बोले कि मेरे को इस नंबर का इतने से इतने प्राइस तक के बीच में शूज़ दिखाई, वो तो चार पांच शूज़ दिखाता है, देन आप उसमें से कोई एक चूज़ करते हो, जब आप चूज़ करते हो तभी तो उसको आप परचेज करते हो ना, तभी तो उसको पे करते हो, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे ना। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ फॉर्मेटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं। सपोज़ मुझे रो को हटाना है, ठीक है, रो को हटाना, सपोज मुझे ये रॉकी है इसका, इसको हटाना है, ठीक, इसके ड्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रॉकी, रॉकी का जो कॉलम है मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट फॉर्मेट में जाएंगे, ये हमारा फॉर्मेट है, देखिए हमें सेल्स में गए। अगर सेल्स मतलब सपोज़ मुझे एक सेल को अगर हाइड करना है तो हम एक सेल को भी कर सकते या फिर एक पूरे रो को भी कर सकते या फिर कॉलम को भी कर सकते, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना रो लेना है, कितना कॉलम लेना है या सेल लेना है या नहीं लेना है। सपोज़ मैंने रो लिया है, रो पे गए, जस्ट इसके बगल में दे रहा हाइट, देखिए जस्ट हमारा वो चीज़ क्या हो गया, हाइड हो गया, मैंने रॉकी को हाइड कर दिया। अब सपोज़ आप चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे रॉकी को रखना है यहाँ पे, मैं क्यों हटाऊँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, फिर फॉर्मेट में जाओगे, देन रो में आओगे, यहां से हम उसको हाइड अन हाइड कर सकते हैं। अब इसको हम चाहते हैं शो कराना, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमने देखिए 2 नंबर को हटाया है, तो उसके लिए हम फिर फॉर्मेट में जाएंगे, देन रो में जाएंगे, देन रो में जाने के बाद हमने हाइड करने के लिए हाइड कर दिया, शो करेंगे तो वो चीज़ हमारा प्रेजेंट हो जाएगा। फॉर्मेट में जाए, देन रो में, देन शो। एक्चुअली बेटा मैंने कुछ गलती कर दी, इस वजह से आ नहीं रहा। चलिए नेक्स्ट वाले में हम फिर सीखेंगे कैसे शो कराते हैं, बट द प्रोसेस यही है। नेक्स्ट है, अब कॉलम को अगर हमें करना है, सपोज ये जो हमारा ड्यू वाला कॉलम है ये हम हटा दें, तो हम इस कॉलम को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन फिर फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम्स में जाएंगे, कॉलम्स में जाने के बाद इसको हाइड कर देंगे, देखिए हाइड हो गया। अब हम चाहते हैं कि नहीं ये शो हो, तो सेम प्रोसेस है, ओके, फॉर्मेट में आएंगे, देन कॉलम, देन शो। बेटा पता नहीं क्यों ये शो नहीं कर रहा, बट ये शो करता है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रीज और अनफ्रीज। कभी कभी हमारा होता है कि वर्कशीट काफ़ी मतलब लार्ज साइज हो जाता है, जिससे हमें डेटा को देखने में दिक्कत होती है, हम स्क्रॉलिंग कर करके देखते हैं। सपोज़ हम ऐसे स्क्रॉलिंग कर करके देखें, हो सकता है बाई डिफ़ॉल्ट
कहीं से कुछ छूट जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फ्रीज और अनफ्रीज का यूज़ करते हैं। फ्रीजिंग मीन्स मेकिंग देम इम्यून टू स्क्रॉलिंग, दैट इज फ्रोजन रो ऑलवेज अपियर ऑन स्क्रीन एंड रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम द स्क्रॉलिंग। मतलब कि जो भी हम फ्रीज कर देंगे तो वो हमारा जस्ट स्क्रीन पर शो करेगा और कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ये काफ़ी पता है कि जितने भी सीट होते हैं इसमें काफ़ी रो एंड काफ़ी कॉलम होते हैं, तो ये काफ़ी लेंथी होता है और इसको हमें इसको स्क्रॉलिंग कर करके देखते हैं, तो स्क्रॉलिंग में कभी कभी क्या होता है कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम फ्रीज का यूज़ करते हैं। और हम चाहते हैं कि कुछ रोज़ जो जिसको हम चाहते हैं कि वो वही वर्कशीट का पार्ट हमें स्क्रॉल डाउन में, अगर हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं हमारा वही पार्ट दिखे, तो उस कंडीशन में हम फ्रीजिंग का यूज़ करते हैं। अब देखिए जहाँ से हमें फ्रीज करना है तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेल पे क्लिक करते हैं, सपोज़ यहाँ से करना है हमें, ठीक। अब जहाँ तक हमें करना है सपोज़ मैं यहाँ से फ्रीज कर रही हूँ, तो जस्ट हम फिर विंडो में जाएंगे, देन फ्रीज। देखिए जैसे हम फ्रीज करेंगे ना, यहाँ पे एक बाउंड्री लाइन बन जाएगी ब्लैक कलर की। विंडो में गए, देन फ्रीज, आपको दिखेगा, ये देखिए ब्लैक बाउंड्री लाइन बन गई, मतलब यहाँ से हमारे ये क्या हो गया, डेटा फ्रीज हो गया। ये अलग दिखेगा, ये अलग दिखेगा व्यू में। नेक्स्ट है, अब अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये फ्रीज हटा दूँ, मतलब मेरा होल डेटा यहाँ पे ऑन स्क्रीन रिप्रेजेंट को ऑन स्क्रीन विजिबल हो, तो उस कंडीशन में हम फ्रीजिंग हटा देंगे। फ्रीजिंग के लिए फिर हम जाएंगे विंडोज में, देन फ्रीज को देखिए चेकबॉक्स पे अगर चेक है, मार्किंग है चेकिंग का, तो ये हमारा फ्रीज कंडीशन में है। अब अगर हम चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको हटा देंगे तो देखिए ये हमारा हट गया, मतलब कि अब ये हमारा जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये अनफ्रीज इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेमिंग और रेंज। अगर सपोज आपका ये रेंज है यहाँ से लेके A1 से लेके लास्ट ये आपका गया है C6 तक, तो हम चाहते हैं कि नहीं ये पूरे डेटा को बस एक नेम से हम शो करते हैं, तो इस कंडीशन में हम सारे डेटा को जितना भी हम उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद हम इसको इंसर्ट में जाएंगे। देखिए अभी हमारा दिखा रहा है कि हम यहाँ पे देखें नेम बॉक्स में A1 से लेके C6 तक हैं हम, बट ये सेल एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, हम चाहते हैं ये एक नेम से शो करे, स्टूडेंट डिटेल या कुछ भी टेबल 1 टेबल 2 जो भी हम चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इंसर्ट में जाएंगे, देन नेम्स में क्या डिफाइन। अब आप चाहते हो कि आपका जो सीट A1 सो सीट 1 में आपका A1 से लेके C6 तक का जो है उसको हम क्या नाम दें, तो सपोज हम इसको कर सकते हैं स्टूडेंट्स डिटेल, डन हम इसको ओके कर देंगे, ऐड बटन पर क्लिक कर, ये इनवैलिड नेम ले रहा है, हम इसको कुछ और दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, हम सपोज इसका नेम कुछ भी रख सकते हैं, स्टूडेंट कर दिए एट, ओके ये हमारा हो गया एक रेंज में। अब नेक्स्ट हमारा ऑटो सम का यूज होता है बेटा किसी भी कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए। कैल फंक्शन में जैसे कि अगर आप कैलकुलेट चाहते हो कि जो भी आपका कंटिन्यूअस नॉन कंटिन्यूअस सेल है या फिर सेल ऑफ रेंज है, आप चाहते हो कि आप ये सारा आपका
ऑटो सम का यूज़ करते हुए जो भी थोड़ा बहुत अगर डिफरेंसेस हो उनको भी ये मतलब कवर करते हुए अगर ये कर दे तो उस कंडीशन में हम ऑटो सम का यूज़ करते हैं। ऑटो सम बेटा कैल्क का एक ऐसा ऑटोमेटिक समकेशन फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस रो एंड कॉलम रेंजेस को सम करते हैं। सपोज ये है हमारा, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये टोटल इक्वल कितना हो रहा है, तो ये हमारे यहाँ है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जस्ट हमारा ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये हमारा है ऑटो सम। देखिए C7 में अब हम सम करना है, तो कौन कौन, इसको करना है, ठीक, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है, जस्ट हम इस पर क्लिक करेंगे डन प्लस, 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 लास्ट में इंटर। देखिए ये हमारा एरर दिखा रहा है, जरूर मैंने कुछ गलती की है। ओके, जस्ट मैंने क्लिक किया, ये सम किया C6 C2 से लेके C6 तक ऐड करके ये बता दिया कि हाँ ये इतना है C2 से लेके C6 तक। बेटा इस चैप्टर में आपका इतना ही था, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।